नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। सभी कहते हैं कि इस ज़माने में वफादारी और ईमानदारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी बहुत से वफादार ईमानदार इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं और वह समय आने पर अपनी वफादारी पूरी तरह से दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा हमारे पास आया है, जहाँ पर मोहम्मद इलियास अंसारी नामक एक ऑटो चालक ने अपनी ईमानदारी दिखाई और अपने ऑटो में सवार एक सवारी का जब मोबाइल ऑटो में छूट गया, उन्होंने बहुत ही वफादारी के साथ, जो ट्रैफिक अधिकारी यहाँ पर सिग्नल पर मौजूद थे, उन्होंने उनके पास वो मोबाइल ले जाकर दिया और उन्हें जो भी उनके साथ में हुआ वह उन्होंने बताया। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सागर हिवराड़े सर मौजूद है, जो एक ट्रैफिक अधिकारी है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। सर, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है, इधर से आए। सर, आप क्या बताना चाहेंगे, जो मोहम्मद इलियास अंसारी जी ने आपके पास जो मोबाइल लाकर दिया, तो उन्होंने क्या कुछ बताया? वो 3 तारीख की बात है मैडम, तकरीबन 3 तारीख की बात है, 3 दिसंबर की। 0 माइल पर मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर, तो उस दिन वहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे थे रोज़ के जैसे। तो तकरीबन 4:15 बजे की बात होगी, वो मेरे पास आए और बोले, साहब बोले, एक सरदार जी का मोबाइल रह गया बोले मेरे पास। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास दे दीजिए, उनका कॉल आएगा या वो आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा उनको। और मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि ऑटो वाले अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला, तो वो बोल रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उनका फ़ोटो भी लिया मैंने और उनका नाम भी पूछा मैंने, तो बहुत अच्छे इंसान थे वो। इलियास अंसारी नाम है, मोहम्मद इलियास अंसारी उनका नाम। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे वो, उनकी बातचीत से और उनके जो ईमानदारी उन्होंने दिखाई, उनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। काबिल तारीफ उन्होंने ईमानदारी दिखाई और उन्होंने मोबाइल दिया। और कुछ ही देर में फिर मुझे मोबाइल पे कॉल आया सरदार जी का, फिर सरदार जी आए, उनको फिर मैंने उनका मोबाइल दे दिया, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। और मैंने भी बताया कि भाई ऑटो वाले जो इलियास अंसारी थे, उन्होंने आपका मोबाइल दिया, शुक्रिया उनका कीजिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने उनका भी शुक्रिया किया, उनको मैंने उनका मोबाइल दे दिया और रवाना कर दिया। सर, आपको भी ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में सब बोलते हैं कि ईमानदारी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि ईमानदारी आज भी मौजूद है लोगों में? ये आप उदाहरण देखेंगे तो लगता है कि हाँ, ईमानदारी ज़िंदा है, अभी भी है लोगों में, और वो अच्छी बात है। इसलिए मैंने उनका हौसला अफजाई किया, उनका इलियास अंसारी साहब का, उनका बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखा आपने, इस तरह से सागर हिवराड़े सर ने भी हमें किस तरह से बताया कि उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। आज के ज़माने में भी ईमानदारी, वफादारी और सच्चे दिल के लोग मौजूद हैं। आज के ज़माने में मोबाइल जैसी वस्तु कोई छोड़ना नहीं चाहता, और अगर किसी को मिली तो वो लौटाते नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदार हैं और उन्होंने मोबाइल जैसी वस्तु लौटाई, और हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, अधिकारी है ट्रैफिक के, उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी एक वफादारी दिखाई। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़।